गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 31st ऑफ अक्टूबर 2023 ट्यूसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़वा डॉलर इंडेक्स एंड अदर करेंसी पेयर्स में क्या-क्या एक्टिविटीज -क्या हो रहा है उसके लिए हम चार्ट में डायरेक्टली चलते हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 106.30 Daily price actions, अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ऊपर के तरफ आपका हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फोर जीरो से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट सिक्स जीरो इस रेंज में प्राइस अटक गया है एक बार प्राइस को इस रेंज से बाहर निकलना है क्या ये ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे के तरफ ब्रेकडाउन करेगा इसके लिए हमें समय का इंतजार रहेगा ऑल आवर विशेष के नीचे के तरफ ब्रेकडाउन हो जाए बट मार्केट इज मार्केट मार्केट अपना काम करेगा हम हमारा विशेष को कोई परवाह नहीं है सो so, इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलता टू वे साइड चौपी बिहेवियर यहाँ पे बरकरार रहेगा डॉलर रुपी एटी थ्री सो यहाँ पे इनविजिबल हैं तगड़ा बैठे हुए हैं लेकिन हमें अलर्ट रहना पड़ेगा क्यों जितना ज्यादा कंसोलिडेशन जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जितना ज्यादा इरिटेशन उतना ही ज्यादा ब्रेकआउट अभी ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करना है मीन्स एटी टू पॉइंट एट जीरो के नीचे जाना है तो ह्यूज इनफ्लोज आर देयर पाइपलाइन में ऐसा कोई इनफ्लोज है क्या आप हमें बताइए अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है 8350 के ऊपर जाना है जहां पे 8350 में मेजर स्टॉप लॉसेस आते हैं उसके ऊपर अगर चलते हैं तो एक शार्प क्विक अप मूव टूवर्ड्स 8370 से 8390 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर भी एक ट्रिक है क्या इनविजिबल हैंड्स इतना आसानी से इसको ऊपर जाने के लिए देंगे डेट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जीबीपी डॉलर कंसोलिडेशन जारी है यहां पर भी एक रेंज है नीचे की तरफ 1.2050 एंड ऊपर की तरफ 1.2350 सो so ये तीन बीगी के अंदर में एक कंसोलिडेशन है चॉपी वोलेटाइल बिहेव कर रहा है जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते ज के, के बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक साइड वेज चौपी टू वे वोलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है सो आवर विश लिस्ट ऊपर की तरफ लेकिन मार्केट मार्केट है क्या हमारा wish list सुनेगा नहीं सुनेगा वो तो उसका बात है सो so, जब तक इस ब्रेक रेंज के बाहर नहीं निकलते हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड छोटे छोटे रेंज में खेलना पड़ेगा यूरो डॉलर यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लोज हायर लोज बना रहे हैं So, अभी हमें इंतजार है चौबीस अक्टूबर के हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज तो क्या होगा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है तो इन द मीन टाइम ऑल दो वी आर लुकिंग फॉर अपवर्ड मूवमेंट इन एनी केस ये जो आपका अक्टूबर के लो के नीचे close नहीं देना चाहिए। देने से क्या होगा? Higher high high low को negate कर जाएगा। जाएगा। फिर चौपी में चला भी high बना रहे हैं ये चौबीस अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देगा तो ये कंटिन्यूएशन मोड में आएगा एंड इन एनी केस ये थर्टीन अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए डॉलरियन यहां भी है 149.36 पे 150 150.77 हाई मारने के बाद छोट थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम देखे हेवी सॉफ्टनेस यहाँ पे नहीं है सो प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा बीओजे का एक्शन हमें देखना पड़ेगा एन आई एन आर कल एक अच्छा खासा स्ट्रांग क्लोज दिया था अभी मॉर्निंग से एक नेगेटिविटी छाया हुआ है यहाँ पे आपका 10 अक्टूबर के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता है तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन करना चाहिए डॉलर केन्दी 1.3844 यहाँ पे एक आप देखोगे 1.38 1.3870 के बीच का जो रेजिस्टेंस है वहीं पे आकर पॉज ले रहा है अभी हमें देखना है कि आज या आने वाले दिनों में ये 27 अक्टूबर के हाई के ऊपर जाता है या आपका 30 अक्टूबर के लो के नीचे जाता है इसको हमें देखना पड़ेगा ऑसी डॉलर ये नीचे के तरफ ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये मिस कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है काफी कंसोलिडेशंस क्रिएट हो रहा है सो डेट बीइंग द केस यहां पे इस रेंज से बाहर होने देते हैं सीए 7.3165 कंसोलिडेशन जारी है आज चाइनीज पीएमआई अच्छा नहीं आया इट्स बी बिलो 50 49.2 या 49.3 कुछ डेटा आया है सो चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट गुड एस पर एज दी एम डेटा इज कंसर्न तो यहाँ पे पी एक तरफ है दूसरे तरफ चाइनीज इकोनॉमी है आइर पी को छोड़ना पड़ेगा हट छोड़ना पड़ेगा एंड अलाउिंग चाइनीज यू टू डी फर्दर और चाइनीज इकोनॉमी का बेटर होना पड़ेगा ब्रांड 87.97 फ्यूचर है। यहां पे दो लेवल, बेसिकली तीन लेवल है। एक तरफ आपका नाइनटी फोर इसके बीच में चौबी वॉलेटाइल टू वे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफी न्यूज फ्लोज आ रहे हैं न्यूज फ्लोज के जैसे जैसे इवेंट्स आ रहे

यूएस टू ईयर ट्रेजरी फाइव पॉइंट जीरो पे एक कल एक हल्का सा पॉजिटिविटी देखा गया था आज उसी लेवल पे है अभी ये जो कल का लो है उसके लो के नीचे हल्का सा सॉफ्टनेस हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन सपोर्ट है जब तक इस लाइन सपोर्ट के ऊपर लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है सॉफ्टनेस आशा नहीं कर सकते ऐसे भी फेट का कल Wednesday को से uh, पे मींस मार्केट एक्सपेक्टेशन पॉज से भी इम्पोर्टेंट है कितने दिन तक ये हायर टेरिटरी में रहेंगे एंड कब से कौन सा समय से ये कट करना चालू करेंगे वो जो डायरेक्टिव है उसके ऊपर मार्केट पूरा का पूरा इंतजार कर रहा है सो so, अभी हम क्या करते हैं करेंसी एनालिसिस इन ए नियल डॉलर इंडेक्स 106.33 यहां पे 107 ऑन द हायर साइड एंड 105.50 ऑन द लोअर साइड इस रेंज में चोपी वोलेटाइल बिहेव कर सकते हैं एक बार इस रेंज से बाहर आ जाते पॉसिबली उस लिस्ट के हिसाब से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तभी एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी डॉलर में भी ऑन द लोअर साइड 1.2050 एंड ऑन द हायर साइड Two, three, five, इस तीन बीगी के अंदर में एक कंसोलिडेशन बिहेव कर रहा है इसको अगर एक ट्रेंडेड मूव करना है तो इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा एज पर दिस्ट ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करना चाहिए लेकिन क्या मार्केट फॉलो करेगा नहीं करेगा इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा विश लिस्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए लेकिन विश लिस्ट क्या मार्केट फॉलो करता है वो तो समय ही बताएगा और यूरो डॉलर सिमिलरली नीचे के तरफ 1.0450 एंड ऑन द हायर साइड 1.07 के बीच में चॉपीनेस है लेकिन इस चॉपीनेस में भी एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी ये है कि एक हायर हाई हायर लो बना रहा है सो so, जैसे ही 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर तो रहेगा ये कंटिन्यू करेगा इन सच ए केस ये जो थर्टीन अक्टूबर के लो के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए अदरवाइज ये हायर हायर हाय लो को निगेट कर देगा euro INR similarly ye higher high higher low within the range of 87 on the lower side and 88.80 on the higher side जैसे ही 24th October के high के ऊपर तोड़ेगा तो ये higher high higher low का continuation होगा and in any case 13 October के low के नीचे close नहीं देना चाहिए otherwise ये जो higher high higher low formation से ये negate कर जाएगा dollar yen यहाँ पे 150 के ऊपर ज़्यादा sustain कर नहीं पाया बीओजे का मीन्स आपका एक्शंस हमें देखना है हमें काफी समय से इंतजार है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेकिन हो नहीं रहा है ये आई एन एम कंसोलिडेशंस के बाद ऊपर की तरफ बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है बट यहां पे ये टेंथ अक्टूबर के हाई के ऊपर जब तक तो क्लोज नहीं दे देता है ये रेंज में अटका रहेगा और रेंज में अटका रहेगा तो टू वे चौपी वॉलेटल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हमें बाई डिप्स के लिए इंतजार करना है डॉलर रुपी सेम कॉपी पेस्ट रेंज के अंदर में अटके हुए है। में इन्विजिबल हैं ऊपर में इनविजिबल हैंड्स नीचे ज्यादा ज्यादा सप्लाई नहीं है इसके लिए ज्यादा रुपये नहीं है तो हमें एक ही चीज देखना है इनविजिबल हैंड्स कंटिन्यू डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग द लेवल्स और यहां पे एक लेते हैं एक बार अगर लेते हैं कि 8350 के ऊपर स्टॉप ट्रिगर होना चालू होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा ये हो गया आपका करेंसी एनालिसिस इन एन एन आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा कॉमेंट कीजिए कीजिए एंड शेयर